हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल माय बागवानी में। इस सुंदर सा वाइट कलर का टॉगोर के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं। एंड चलिए आज फ्रेंड्स आप लोगों को मेरे गार्डन का शेयर करते हैं। तो पहले दिखा देते हैं कौन सा सब्जी या फूल मेरे गार्डन में अभी खिल रहा है। ये मॉनसून का शुरुआत ही है तो इसीलिए बगिया थोड़ा ग्रीन ग्रीन हो गया और देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए वाइट टॉगोर का जो पौधा है वो मेरा फूलों से भर गया है और एक ही बड़ा वाला पॉट में मेरा वाइट टॉगोर और हिबिस्कस का पौधा लगाया हुआ है। तो ये देखिए ये मेरा प्यारा पौधा है, ये हिबिस्कस मुझे बहुत पसंद है, इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों। और चलिए इधर देख लेते हैं क्या क्या है। इधर है बरबटी का पौधा, ये अच्छे से ही ग्रो करता है, सोचा आप लोगों को थोड़ा अपडेट दे देते हैं। लेकिन अभी तक इसमें फ्रूटिंग नहीं स्टार्ट हुई। और ये रही मेरा रेड स्पिनच, मालाबार स्पिनच। और दोस्तों रेड मालाबार स्पिनच में एक टिप्स आप लोगों को दे देते हैं, इसका सिर्फ सीड से ही आप ग्रो नहीं कर सकते। आप एक काम करिएगा, जो देखिए ना मैंने इधर से ना एक कटिंग लगा के, ये देखिए ये जो कटिंग है ना इसको ही मैंने कट करके ये नेक्स्ट बोरी में लगा दिया। और अभी देखिए दोस्तों ये अच्छे से ग्रो हो रहा है, इसका ग्रोइंग भी स्टार्ट हो गया, नया नया पत्ता निकल रहा है। तो ये दोनों कटिंग मैंने लगाई थी, ये देखिए, और दोनों ही चल पड़ा। तो अच्छा है ना, बारिश के मौसम में ऐसे आप ग्रो कर सकते हैं। ये रहा मेरा गुलाब का पौधा जिसे रिपोर्टिंग करने का टाइम आ गया लेकिन मेरा टाइम नहीं मिल रहा है। ये रही सदाबहार, तो जो इसके नाम की तरह ही मेरे बगिया में हमेशा बाहर बन के खिलते रहते हैं। और ये मेरा दो मिली है। इधर है मेरा दत्तप्रिया और जेट्रोफा का फ्लावर का प्लांट, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसका एक छोटा सा पौधा मैंने ले आई थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, और ये अच्छे से बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। ये देखिए और कितना सारा डाली और फूल अभी इस पौधे में है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया पौधा है दोस्तों, अगर हो सके तो आप ज़रूर लगाना। और इधर है मेरा बोगनविलिया, तो इसमें फूल थोड़ा कम हो गया लेकिन फिर भी हो रहा है बारिश के सीज़न में। और ये देखिए दोस्तों सदाबहार का बहुत सारा नन्हा सा प्लांट भी तैयार हो चुका है, इसको लगाना पड़ेगा। ये गिलाडिया का पौधा है, तो देखते हैं अभी तक तो फूल नहीं खिला है। और ये बटन फ्लावर का थोड़ा सीडलिंग मैंने तैयार करने के लिए दिए थे और वो भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये देखिए ये जो 4 o'clock का फ्लावर है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है। इधर है मेरा भुट्टा का प्लांट, इस प्लांट में अभी तक फ्लावर नहीं खिला लेकिन और भी जो दो प्लांट मैंने लगाया था उसमें फ्लावर खिल रहा है। और ये रहा मेरा पिंक वाला कौरोबी, ये भी अच्छे से ही ग्रो कर रहा है दोस्तों। ये मेरा ब्लीडिंग हार्ट, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसको मैंने कटिंग से ही तैयार किया है। और ये रहा मेरा वाटर स्पिनच, और ये भी बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। मैं काट काट करके इसका तरकारी बना लेती हूँ और फिर से ये ग्रो करता है। और इसी को ही कैसे कटिंग से आप इजीली घर में ग्रो कर सकते हैं, और बाज़ार का जो भी केमिकल पेस्टिसाइड फ्री एक शाग और भाजी आप तैयार कर सकते हैं अपने घर में इजीली, बहुत बहुत इजीली, आज वही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो पहले दोस्तों आप लोगों को थोड़ा मेरा गार्डनिंग का शेयर करा देते हैं। ये मॉर्निंग येलो कलर का जो पर्सलिना था वो बहुत सारा मॉर्निंग में फूटा लेकिन अभी ये मुरझा गया है। ये रहा मेरा साइप्रस वाइन, ये भी देखिए दोस्तों अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इधर है मेरा नील टॉगर और लाल भाजी, इधर है
रिज गॉर्ड का और भिंडी का पौधा। भिंडी थोड़ा हार्वेस्टिंग भी कर लेते हैं दोस्तों, नहीं तो ये फिर से पक जाएगा। और ये इतना अच्छा और घना हुआ है ना दोस्तों, मुझे दिखाई ही नहीं दे रहा। इधर एक है और किधर है, अभी तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, अभी तो यही मिला, देखते हैं। और मोगरा का प्लांट ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इधर एक विंका, देखिए इसका एक सीडलिंग तैयार किया था मैंने, और इसी में ग्रो किया, इस साग के भाजी के पॉट में। और मैंने इसको यहाँ रख दिए थे, लेकिन इसका कलर बहुत ही प्रिटी है, अमेजिंग, आई जस्ट लव्ड इट, ब्यूटीफुल है ना दोस्तों। ये रहा मेरा पोमोग्रेनेट का पौधा, और ये मेरा बतूला का। और देखिए दोस्तों, मेरा भुट्टा का पौधा, कॉर्न का पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है, इसका फ्लावर भी आ गया है ना, ब्यूटीफुल। और थोड़ी दिन बाद ये फ्लावर से भर जाएगा, तब भी आपके साथ शेयर करेंगे। ये और एक विंग का। इधर जो मेरा ड्रैगन फ्रूट का प्लांट है, ये साइड से बढ़ रहा है, देखिए कितना साइड से लंबा हुआ है, लेकिन ऊपर नहीं बढ़ रहा है। तो इसका साइड का कटिंग करना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर बड़ा नहीं होगा, और मुझे साइड में नहीं चाहिए, ऊपर में ग्रो करते हुए चाहिए। ये देखिए तरबूज, इस साल लगता है मुझे बहुत सारा तरबूज खाने को मिलेगा। ये एक, और ये देखिए, ये देखिए इधर एक नन्ना सा है, दो, इधर देखिए एक, तीन, और दिखाते हैं दोस्तों, इधर देखिए एक, चार, और इधर देखिए एक, पांच, और एक दिखाते हैं, और इधर एक, छः, छः तरबूज अभी तक तो दिख रहा है। तो लगता है बहुत सारा तरबूज खाएंगे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे, खिलाएंगे नहीं, दिखाएंगे। तो लगता है तरबूज खाएंगे। और मेरा तो एज यूजुअल ब्रिंजल, बहुत सारा ब्रिंजल हमेशा ही पौधे में रहता ही है। ये रहा वाइट जामुन का पौधा, ये भी वर्षा में अच्छे से ग्रो कर रहा है। ये जूट का पौधा है, एक ही पौधा है, देखिए एक ही पौधा है, लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से ग्रो करता है। मैं काट काट के इसका रेसिपी बनाती हूँ, और फिर से ये ग्रो करता है। ये रहा मेरा स्नेक प्लांट, और इधर मेरा ड्रैगन फ्रूट, ये देखिए दोस्तों ड्रैगन फ्रूट, ये भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और इधर और भी बहुत सारा कलिया आया है ना दोस्तों, ये देखिए दिख रहा है ना, बहुत सारा कलिया आया है, इधर भी इधर भी। तो देखते हैं कैसे ग्रो करता है। ये और एक भुट्टा का पौधा है, ये देखिए इधर भी फ्लावर आया हुआ है दोस्तों, इधर भी आया है, देखते हैं कैसे ग्रो करता है। आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगी। ये रहा मेरा ब्रिंजल का पौधा, तो ये भी अच्छे से बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है। और मानसून का, बारिश का मौसम है, बारिश का पानी इसमें गिरा, और ये और भी अच्छे से तेज़ी से बढ़ रहा है। इधर ये सब मेरा ब्रिंजल, और इधर ग्रीन चिली का पौधा है, और ये रहा मेरा नींबू का पौधा दोस्तों, लेकिन इस साल सिर्फ एक ही नींबू हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए एक ही हुआ है, देखते हैं और भी बढ़ कलियां आ रही है, लेकिन पता नहीं अभी, ये देखिए दोस्तों कलियां आ रही है, लेकिन अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो इधर मैंने थोड़ा लेडीज फिंगर और भिंडी का शीड इधर डाली थी, तो इसमें लग रहा है एक दो ही ये इसका जर्मिनेशन हुआ है, और अच्छे से नहीं हुआ। तो इस पॉट में भी डाली थी भिंडी के सीड, लेकिन इसमें एक भी जर्मिनेट नहीं हुआ। तो चलिए दोस्तों, और अब हम देख लेते हैं कि आप वाटर स्पिनाच का कटिंग्स से कैसे घर में इजीली ग्रो कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक बढ़िया सा चीज़ आप लोगों को सिखाते हैं आज। ये वाटर स्पिनाच जो मेरा है ना, उससे ही मैं कटिंग ली थी इसका भाजी बनाने के लिए।
फिर काट के मैं ये पत्ता लेके भाजी बना चुकी हूँ। और इसका जो कटिंग है ना उसको ऐसे कट करके ऐसे इतने तक कट करके मैं इसी ग्लास में पानी के साथ इसको रख दी थी। ये 7 डेज हुआ है अभी इसमें है, लेकिन हर दिन मैंने पानी चेंज किया। तो इसका ये देखिए कितना सुंदर रूट बॉल तैयार हुआ है। और अभी कुछ नहीं करने का दोस्तों, आप एक खाली पॉट में ऐसे मिट्टी तैयार कर लीजिए। हाँ, तो ऐसे ही बारिश का मौसम है, मिट्टी तो अच्छे से गीला ही है, तो कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा मिट्टी का कलर देखिए, इसमें सार ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं और सार इसमें नहीं दूंगी। अभी क्या करना है, ऐसे एक एक रूट लेके आपको इसमें डाल देना है दोस्तों। बस आपका वाटर स्पिनाच लगाने का काम हो गया। ऐसे करके आप लगा देंगे, एक दो करते करते आप अगर देते जाएंगे तो ये अच्छे से ग्रो होता जाएगा। तो ऐसे करके मैं दे दूंगी। और है ना, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, कुछ भी ज़्यादा ये देखभाल नहीं मांगता, सार खाद वगैरह कुछ आपको देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिवाय पानी देना है, क्योंकि वाटर स्पिनाच है तो इसको थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए, तो आपको पानी ही देना है अच्छे से इसको। और ये कुछ नहीं चाहता, तो ऐसे करके आप घर में इजीली ग्रो करते जाइए। और जब भी आपको ज़रूरत हो, आप थोड़ा ऊपर से ऐसे, ये देख रहे हैं ना, इधर से मैंने कट किया था, इधर से ऐसे कैंची के साथ कट कर लीजिए और भाजी बना लीजिए, है ना दोस्तों। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, तो ज़रूर लाइक और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच मेरे साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपडेट्स एंड फॉर न्यू इन्फॉर्मेशन एंड बिल्कुल घरेलू टिप्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे, बाय।